आपकी शादी में देरी होने का सबसे बड़ा कारण क्या बनता है? यह एक ऐसा प्रश्न है जो हर दिन मेरे से पूछा जाता है और बहुत सारे लोगों के यही प्रश्न है, और इस प्रश्न को लेकर के देश विदेशों से काफी लोग मेरे से जुड़े हुए हैं, और मैंने लाखों कुंडलियां रिसर्च करी है इसी प्रश्न को लेकर के, आखिरकार विवाह में देरी होने का कारण क्या बनता है, और मैंने इस पर बहुत बारीकी से रिसर्च करी है। आज के इस वीडियो में मैं बहुत तर्क संगत तरीके से बताने वाला हूं। मैं चैलेंज के तौर पर यह बात कहता हूं कि आप जिन लोगों के विवाह में देरी हो रही है उसके कारण आप स्वयं ढूंढ लेना, जो मैं बता रहा हूं इसके अलावा और कोई कारण बनता नहीं है। और एस्ट्रोलॉजी अपने आप में इतना सटीक विषय है ना, देखने वाले पर निर्भर करता है कि उसकी ब्रेन की फ्रीक्वेंसी कितने हाई लेवल पर वर्क करती है। जिसके ब्रेन का लेवल बहुत छोटा है ऐसा ज्योतिषी कभी भी ऐसी गणना निकाल के दे ही नहीं सकता है, क्योंकि ज्योतिष भी एक ऐसा गहरा विज्ञान है ना, इसको समझने के लिए ज्योतिषी के पास योग साधना और ज्ञान का स्तर उसका उच्च श्रेणी का होना बहुत आवश्यक होता है। नहीं तो ज्योतिष के अंदर ज्योतिष के कलाकार भी बहुत सारे हैं, और मैं बार बार कहता हूं ध्यान दीजिएगा, ज्योतिष विद्वान और ज्योतिष कलाकार में उतना ही फर्क होता है जितना एक हार्ट सर्जन अच्छे पढ़े लिखे डॉक्टर में और एक चमड़ा सिलने वाले मोची में। काटना सिलना तो दोनों का काम होता है, लेकिन ध्यान देना कभी भी मोची हार्ट सर्जरी नहीं कर सकता, मोची कभी हार्ट सर्जरी नहीं कर सकता। उसी प्रकार से एस्ट्रोलॉजी के अंतर्गत यदि आपको एकदम सटीक कैलकुलेशन चाहिए ना, तो एक परिपक्व एक अच्छा रिसर्च करता एस्ट्रोलॉजर ही आपको इसकी सटीक जानकारी दे सकता है। और जिन लोगों का एस्ट्रोलॉजी पर विश्वास नहीं है, मैं उनको चैलेंज के तौर पर ये बात कहना चाहता हूं, जिनके विवाह में डिले हो रहा है आप जो मैं बता रहा हूं कंडीशन देख लेना, और ये कंडीशन बनती है तो इसका निदान जरूर कर लेना, तुरंत आपके विवाह में आ रही बाधा दूर होगी और आपको शीघ्र सफलता मिलेगी। देखिए लड़कों के विवाह में यदि देरी चलती है ना, तो सबसे लड़का हो या लड़की हो, यदि उनकी कर्क या सिंह लगन की कुंडली बनती है तो ऐसी कुंडली में चांस बहुत ज्यादा रहेंगे विवाह में डिले होने के, यानी देरी से शादी होती है। या लड़कों की कुंडली में शुक्र की स्थिति बहुत खराब हो जाए तो कंडीशन बनेगी शादी में बहुत ज्यादा देरी होने की, और लड़की की कुंडली में बृहस्पति की स्थिति खराब हो जाए तो 101% शादी में देरी होती ही होती है। जो लोग ज्योतिष पर यकीन नहीं करते हैं, मैं उनको बताना चाहता हूं ये कंडीशन जरूर देखिए आप, यदि शादी में डिले है तो आपका एस्ट्रोलॉजी के प्रति विश्वास अवश्य बनेगा। या मांगलिक कंडीशन, लड़का या लड़की है उसकी कुंडली में मांगलिक स्तर बहुत ज्यादा बढ़ा हुआ है तो उस कंडीशन में भी विवाह में डिले होता है। लगातार विवाह की वार्ताएं आगे बढ़ेगी फिर वो वहीं पर विराम ले लेगी लेकिन सफलता नहीं मिल पाएगी। यही 3-4 कंडीशन है, मैं लाखों कुंडलियों पर रिसर्च करी है और इस प्रश्न को लेकर के बहुत सारे लोग मेरे से जुड़े हुए हैं, और मैंने सबसे ज्यादा रिसर्च करके मेरे जीवन में यदि किसी प्रश्न को देखा है तो वो देखा है शादी में देरी होने का कारण क्या बन सकता है और उसका सटीक निवारण क्या हो सकता है। तो मैंने भी आपको कारण बताया, यदि शुक्र की स्थिति खराब हो जाए तो लड़कों को शुक्र का उपाय कर लेना चाहिए, मेरे पीछे आप वीडियो देखेंगे तो उसमें आपको उपाय मिल जाएंगे, और लड़की की कुंडली बृहस्पति की स्थिति बिल्कुल खराब है तो बृहस्पति का उपाय कर लेना चाहिए, शीघ्र विवाह में आ रही जो बाधा है वो दूर होती है। तो उम्मीद करते हैं इस वीडियो के माध्यम से, और देखिए जिन लोगों का एस्ट्रोलॉजी के प्रति उनको लगता है कि एस्ट्रोलॉजी, बहुत सारे लोग हैं जो मानते नहीं है, मैं उनको चैलेंज करता हूं यदि एस्ट्रोलॉजी को लेकर के आपके मस्तिष्क में कोई भी भ्रम है तो आप तर्क संगत तरीके से मेरे से कॉल पर बात कर सकते हैं, आपका मैं जरूर भ्रम दूर करूंगा। एस्ट्रोलॉजी ऋषि पाराशर जी की ऐसी अद्भुत विद्या है और उन्होंने इस विज्ञान पर इतना रिसर्च करा है, 7 जन्म तक ऋषि पाराशर जी ने इस एस्ट्रोलॉजी पर रिसर्च करके देखा है, और वाकई में मनुष्य के जीवन का कल्याण करने के लिए एस्ट्रोलॉजी जैसा सही पथ प्रदर्शक कोई भी नहीं। उम्मीद करता हूं इस वीडियो के माध्यम से आप जरूर लाभान्वित होंगे, और वीडियो अच्छा लगे तो लाइक जरूर करना, और मेरे चैनल पर यदि इस प्रकार की सटीक जानकारियां आपको एस्ट्रोलॉजी के संदर्भ में प्राप्त करना अच्छा लगता है तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, और वीडियो अच्छा लगे तो जरूर लाइक करके जाना। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।